भारत सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को मंजूरी देने के बाद लगातार इस कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। शुरू में इन कानूनों का विरोध प्रमुख विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे नासूर की तरह जन आंदोलन बनता चला जा रहा है। लेकिन सरकार भी किसी भी एंगल से बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है, वह भी अपने मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि कानूनों को लेकर 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जगह जगह पर किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों को इसके फायदे बताने में जुट गई है। इसी के क्रम में आज अमेठी जनपद के शिव दुलारी महिला डिग्री कॉलेज घुंगुवाच में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पहुंचकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया तथा कृषि कानून के फायदे बताए। सम्मेलन में आए हुए लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन के 3 वर्ष में भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक पत्रिका बांटी गई, जिसमें पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा अमेठी जनपद में कराए गए कार्यों की पूरी गाथा मौजूद है।